हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बात रेसिपीज़। और आज बनाने जा रहे हैं लाजवाब सोया मटर की ये रेसिपी, जो देखने में जितनी लाजवाब है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी और न्यूट्रिशियस भी, क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सोया चंक्स का। बहुत ही सिंपल भुनी हुई सोया मटर की ये रेसिपी आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो अपना प्यार दीजिएगा इसको लाइक करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 5 कप पानी को उबाल लिया, जिसमें 1 टेबलस्पून डाला है तेल और नमक, ताकि सोया जो है हमारे ब्लैंड ना लगे जब हम उसको उबालें। यहाँ पर मैंने 3 कप सोया चंक्स का इस्तेमाल करा है। इसको पानी में डाल देना है आपको, उबलते हुए पानी में, और 4-5 मिनट के लिए उबालना है। और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके 5-7 मिनट के लिए इसको आपको छोड़ देना है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये इसी तरीके से गर्म पानी में हम कुछ 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद स्ट्रेन कर लेना है इस तरीके से, जब तक ये ठंडे ना हो जाए, क्योंकि हमें इसका पानी स्क्वीज करना है, जिसके लिए इसको ठंडा करना ज़रूरी है। तब तक हमने कुछ तैयारी कर ली है, जिसमें 2 मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई ली है प्याज, 1.5 लिया है टमाटर रफली चॉप किया हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च और करी पत्ता। सोया चंक्स अब हमारे थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो हमने इसके अंदर से इस तरीके से पानी को स्क्वीज़ कर लेना है। पानी को स्क्वीज़ करना ज़रूरी है, वरना सोया चंक्स टेस्ट अच्छे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी रह जाता है तो यह ग्रेवी सोक नहीं कर पाते हैं। और असली मज़ा सोया चंक्स का तब आता है जब जिस ग्रेवी में उसको पकाया जाए वो उसको सोक कर ले और फिर उसका टेस्ट आए। तो ये हमने सारे सोया चंक्स स्क्वीज़ करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 हरी इलायची और लौंग, और साथ में 1 चम्मच ज़ीरा। हल्का सा इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें जाएगी प्याज, और प्याज को अब लगातार चलाते हुए हमें सुनहरा करना है मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक हमारी प्याज थोड़ी सुनहरी होती है, तब तक हमने यहाँ पर क्या करा है, 1/3 कप के करीब ले ली है दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए आपकी। उसके अंदर डालना है नमक, और साथ में डालना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच ये गया है इसमें गरम मसाला, 1 से 2 चम्मच इसमें गया है तेल, और अच्छे से इसको कर देना है मिक्स। और ये हमारा मैरिनेट बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें अब हम डाल देंगे जो सोया चंक्स हमने स्क्वीज करके रखे थे। तो अच्छे से इसको कोट कर लेते हैं और 10-15 मिनट के लिए इसको रखते हैं साइड पर, जब तक कि हमारा मसाला प्रिपेयर होता है। तो ये तैयार हो गए हैं हमारे सोया चंक्स, इसको रख देते हैं साइड पर। चेक करते हैं प्याज को, साथ में ही प्याज हमारी सुनहरी हो रही है, और हमने इसके अंदर डाल दिए हैं करी पत्ता भी। तो ये करी लीव्स का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा एरोमा रहता है। और 1 चम्मच इसमें डाल दिए मैंने ब्लैक पेपर। लगातार इसको चलाएंगे और थोड़ा और सुनहरा करेंगे, जब तक लाइट ब्राउन सी ना हो जाए हमारी प्याज। जैसे ये इस तरीके से देखिए लाइट ब्राउन नज़र आए, इसमें डाल दें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको अच्छे से भून लें। उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, आप चाहें तो स्लिट करके डालें या इस तरीके से साबुत डाल दें। और साथ में ही जाएंगे मसाले, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच इसमें गया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर जो घर में ही बनाया गया है, वो जिससे रंग बहुत बढ़िया आता है मसाले का। सब चीज़ों को मिक्स कर दिया और साथ में डाल दिया टमाटर। जब तक इसको पकाएंगे धीमी आंच करके, जब तक टमाटर एकदम सॉफ्ट और मशीनी हो जाते हैं, जिसके लिए हमने ढक्कन ढक देना है और 2-3 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे पकाना है। ढक्कन हटाकर एक स्पैचुला की मदद से इस तरीके से टमाटर चेक कर लेते हैं। थोड़े से हमारे टमाटर और पकाने हैं हमको, जब तक तेल भी अलग ना हो जाए। तो 2-4 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर हमने और पका लिया है। ये देखिए टमाटर हमारे सारे मशी हो गए और तेल इसमें से अलग हो गया है। तो इस टाइम पे अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखे थे सोया चंक्स। तो अब दही जब अपना पानी छोड़ेगी मॉइस्चर, तो उसमें हमारा मसाला बड़ा बढ़िया हो जाएगा और रंग भी बड़ा बढ़िया निखर कर आ जाता है इस तरीके से मैरिनेटेड सोया चंक्स डालने से। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं।
अब इसमें डाल देंगे हम आधा कप मटर, और मटर के साथ इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया योगर्ट हमने इसमें ऐड करी है, जिसके पानी में, जिसके मॉइस्चर में अच्छे से मटर भी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। हल्का सा इसमें डालेंगे हम पानी, बहुत कम, यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल करा आधा कप के करीब, और ये अब इसको ढक्कन ढक के 5-7 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए पका लिया है, ज़्यादा इसको हमें नहीं पकाने की ज़रूरत है, क्योंकि सोया हमारा ऑलरेडी पका हुआ है और मटर जो है हम यहाँ पर फ्रोज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है पकने में। तो पानी इसका पूरा, जो दही ने छोड़ा है वो पूरा सोख गया है, बस अब हमें इसको भूनना है। लेकिन उससे पहले हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच कसूरी मेथी, और लगातार इसको इस तरीके से चलाते हुए भूनते जा रहे हैं कि मसाला इतना पक जाए कि इसमें से तेल छोड़ने लगे। इस टाइम पे हम इसमें डाल रहे हैं नमक, उसके अलावा थोड़ी सी सीजनिंग की चीज़ें, जैसे कि भुना हुआ जीरे का पाउडर थोड़ा सा हमने इसमें डाला है, गरम मसाला और आधा चम्मच के करीब हमने इसमें डाला है ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये सब मसाले आखिरी में डालने से थोड़ा रंग इसका और बढ़िया लगता है, जो भुना हुआ मसाले का रंग चाहिए होता है हमको। और ये देखिए एकदम बढ़िया हमारा सोया मटर लग रहा है, तेल अलग नज़र आने लग गया है। अब लास्ट में इसमें डाल देंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और ये एकदम भुना मसालेदार सोया मटर बनकर तैयार है, ये देखिए। तो इस तरीके की सूखी मसालेदार जो सब्जियां होती हैं पराठे के साथ, पूरी के साथ, घी लगी रोटियों के साथ बहुत ही बढ़िया लगते हैं, चावल के साथ भी बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। ये दाल चावल के साथ सूखी भुनी मसालेदार सोया मटर की सब्ज़ी हर तरीके से ही बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट इसको आप एज इट इज़ भी खाएंगे तो ये बहुत बढ़िया न्यूट्रिशियस ऑप्शन है। बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें, और शेयर करें ये रेसिपी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। आई होप आप इसको जब बनाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप इसे करते हैं ट्राई, तो ज़रूर से इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार इस वीडियो को लाइक कर, और ऐसी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं करते हैं हिट, तो ज़रूर से दबाइएगा ये सब्सक्राइब का बटन, ताकि आप मेरे फैमिली का पार्ट बन सकें। मैं जल्दी मिलूंगी, तब तक गॉड ब्लेस, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।